इसमें सारा डिटेल होकर लिखा है। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन कराने का सरकार ने संकल्प लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, दिनेश शर्मा जी ने, और ये इस पर निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन राजधानी लखनऊ की वर्तमान परीक्षाएं नकल माफियाओं के हवाले कर दी गई है। जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा में जो हमने आकलन किया है कि उनके द्वारा परीक्षाएं नकल हो रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, संज्ञानित होते हुए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उदाहरण सीधे दे रहे हैं कि दो चीज़ें हैं जिसमें विशेष रूप से नकल जो सुनियोजित नकल कराई जा रही है। पहले तो छात्र संख्या का आवंटन ज़्यादा किया गया, या विद्यालय में कमरे उपलब्ध हैं लेकिन एक कमरे में ज़्यादा संख्या में परीक्षार्थी बैठाने जा रहे हैं, जैसे रामकिशोर कॉन्वेंट इंटर कॉलेज जानकीपुरम में है, वहाँ पर एक कमरे में 48 से लेकर के 96 बच्चे बैठ रहे हैं। LY मैनपुरिया में एक कमरे में 70 बच्चे बैठ रहे हैं। अवध अकेडमी में एक कमरे में 54 बच्चे। इसी तरह लगभग 50% ऐसे विद्यालय हैं जो केंद्र बने हैं, वहां पर ज्यादा संख्या में कमरों में बिठाल करके एक आपस में जब करीब बैठेंगे, बोर्ड का मानक है कि 20 स्क्वायर फीट एक एरिया क्षेत्रफल बच्चे के लिए होना चाहिए, उसके लिए 20 स्क्वायर फीट, और यहां पर जब अगर 96 बच्चे बैठेंगे तो बैठ ही नहीं सकते, तो एक दूसरे से मिल करके विधिवत वो नकल कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये नकल कराने की जो व्यवस्था है, और जिला विद्यालय निरीक्षक जाते हैं वहाँ दौड़े पर जाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जो है उनका बयान है कि संगठित नकल पर पूरी तरह से रोक लग गई है। रोक लगे, ये नई तरीका है नकल का। मैं खुलासा कर रहा हूँ, क्या आप इसकी जाँच कराइए। कक्ष निरीक्षक 50% बाहर के लगने चाहिए, 50% विद्यालय के होंगे, ये मुख्यमंत्री डिप्टी CM ने भी कहा, ये आदेश भी है शासन का, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने सारे के सारे उसी विद्यालय के पहले के शिक्षक लगा दिए। आप बताइए जो विद्यालय के शिक्षक हैं वो अपने बच्चों के क्या करें, और जहाँ के सेंटर आए वहाँ के टीचर दो दो आ गए जिन विद्यालयों का है। तो पूरा नकल बल सुनियोजित तरीके से नकल माफियाओं के परीक्षा को हवाले कर दिया गया है। हम डिप्टी CM से ज्ञापन हम देने जा रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ये कार्रवाई की गई, इस पर तत्काल आप चेक करके हस्तक्षेप करिए और इसकी जाँच कराइए। के निर्धारण जो किया गया है, राजकीय शासनादेश में व्यवस्था है कि पहले राजकीय और इसके बाद सहायता प्राप्त, तब वित्तविहीन बनेंगे। यहाँ पर अनेक विद्यालय, हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज, क्वींस गर्ल्स इंटर कॉलेज, जनता गर्ल्स इंटर कॉलेज, बॉयज एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज, बालिका विद्या निकेतन, खुनखुन जी गर्ल्स इंटर कॉलेज, अनेक विद्यालय हैं जिन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया, इसलिए कि ज़्यादा वित्तविहीन बनाएंगे उसमें पैसे मिलते बनाने के। सीधी सी बात, शासनादेश है कि एक केंद्र में 300 से कम 300, अधिकतम 1200 बच्चे होंगे, लेकिन बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में 1354 बच्चे हैं, ये सेंटिनर इंटर कॉलेज में 1321 बच्चे हैं, 12 ये RDKP माल में 1262 बच्चे, मतलब बच्चों के किसी भी रूप में शासनादेश का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया है। GRDIS महोदय स्वयं जाते हैं विद्यालयों में, सारी जानकारी है, सुनियोजित नकल हो रही, बच्चे करीब बैठ करके अब जाते हैं, वहाँ पर उसी विद्यालय के शिक्षक हैं, बाहर बच्चे को बता देते हैं कि इस प्रश्न इस तरह का हल है, नोट करा दिया, एक बच्चा बैठा उसके अगल बगल सब बैठे हुए आपस में खूब कर रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर CCTV कैमरे और जो आपके वॉइस रिकॉर्डर काम नहीं कर रहे हैं, सीधी सी, और इस तरह से एक सुनियोजित नकल हो रही, इसके खिलाफ हम ज्ञापन देंगे, कार्रवाई करेंगे, नहीं होगी तो संघर्ष भी करेंगे। दावा करता हूँ मैं चैलेंज किया है मैंने तो कहा आपके केवल रामा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में है जहाँ पर 96 बच्चे 48 बच्चे बैठते हैं सीसीटीवी फुटेज दिखवा लीजिए आप वहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक स्क्वाड गया इसने क्या कार्रवाई की इसने देखा लेकिन वहाँ चूंकि सिटिंग है मैनेजर से इस तरह से दो दूसरे विद्यालय में नाम बता करके कह रहा हूँ अगर दावा कर रहे हैं तो दावा खोखला है। इसके प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण के साथ आप वहाँ पर चेक कराइए। जो मैंने कहा कक्ष निरीक्षक आधे बाहर के होंगे, क्यों पूरे अंदर के हैं, परिचय पत्र फर्जी बनाए गए। अवध अकेडमी में जो मैंने नाम दिया हुआ है, अवध अकेडमी इंटर कॉलेज में, वहाँ पर एक विषय पढ़ाने वाले शिक्षक जो फिजिक्स का है, उसका मान लीजिए परिचय पत्र बन गया, इसलिए बन गया कि फिजिक्स की परीक्षा होगी, उसकी ड्यूटी कॉलेज में रहेगी, वो नकल कराएगा। भाई एक विषय पढ़ाने शिक्षक का नहीं बना है, जो बाहर के कोचिंग वालों बन गए, इसमें 500 से लेकर 2000 रुपये लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से परिचय पत्र बना दिए गए। तो ये सारी एक नकल की सुनियोजित व्यवस्था है की गई है।
और नकल हो रही है, कहीं रोक नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक उड़ाका दल जाते हैं, एक घूम करके चले आते हैं, कहीं कोई नहीं। अन्यथा आज तक एक कोई जिला विद्यालय निरीक्षक कोई गर्दन झुकाएगा तो हम उस पर जानकारी हो जाएगी। एक पेपर में छपी फोटो, वहाँ पर बच्चे बहुत नज़दीक बैठे हुए, डी आई साहब है पीछे, बच्चा एक सरदार है वो बगल में पूछ रहा किसी से, तो वो तो उनके पीछे देख रहे हैं, जो समाचार पत्र में देख लिया जाए, हिंदुस्तान में छपा 3 दिन पहले।